अरे धोनी का घर दिखाइए, माही, हमारे माही का घर है ये। बुआ का घर है लेफ्ट साइड में। मेरा पलावी कुमारी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फ्राइडे है, आज प्रमोशन के लिए हम लोग एक नया जगह और देखते हैं ड्राइवर साहब क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ड्राइवर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, ड्राइवर साहब लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजों से हम क्यों बोर करें आपको। ये रांची का रिंग रोड है। अच्छा, ये रिंग रोड है। अरे धोनी का घर दिखाइए, माही, हमारे माही का घर है ये। माही का ये वारा, अरे वारा से मलिया, हमारे माही का घर है, फार्म हाउस। और कहीं पर एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा होटल होगा ना, वहाँ रुकेंगे हम और मैं चाय पीऊँगा वहाँ पर। तो रिंग रोड में आप अभी जो बारिश है, जो मौसम है, बाहर के दिखाइए ना कितना सुंदर मौसम है। तो उस मौसम को आप जब देखेंगे आप, तो आपको एहसास होगा कि वाह, इस मौसम में इस कहीं पर रुक कर चाय पीना कितना शानदार होगा। जगह जगह लिट्टी है, लेकिन लिट्टी मैं अभी नहीं खाऊँगा। ये रास्ता बहुत सुंदर है, आप देखिए किस तरह से एकदम, किस तरह से लेफ्ट की तरफ जाके फील एकदम, क्या बोले, मेरे पास शब्द नहीं है, झिक जाएगा, कर्व है, झिक जाक है। और मैं बताऊँ आपको कि हम लोग यहाँ जो खुट्टी जा रहे हैं, वो खुट्टी जन्म स्थली है, कर्म स्थली है भगवान बिरसा मुंडा की। एक छोटा सा हिलॉक, हाँ हिलॉक दिख रहा है, ये ध्रुवा डैम है। तो ये है धुरबा डैम, इस डैम से रांची को पानी की सप्लाई होती है। देखिए कितना खूबसूरत है मोनोडनाक, इज आर कॉल्ड मोनोडनाक इन जियोग्राफी। आप नहीं चाहते कि आप लोग इसको मिस कर, देखिए आने वाले समय में मैं इसका और अच्छा, जब बारिश होगी तो और अच्छा फोटो मैं भिजवाऊंगा आपको। ये लेफ्ट साइड जो बोल रहे थे ना, वो मतलब इनका बुआ का घर है लेफ्ट साइड में। तो खूंटी यहां से 26 किलोमीटर है। यहाँ हिरन पाया जाता है, लेकिन क्या है कि जब मधुमिता आएंगी तो हिरन थोड़ी रहेगा, वो तो निकल के चला जाएगा, इनका इंतजार कर रहा था वो। हाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जू है, ये जू है, डियर पार्क है खूंटी का, और बस यही काला माटी एरिया है, इसलिए आप देख रहे होंगे फॉरेस्ट कितना घना है यहाँ पर। पता नहीं कौन सी रिवर है, अरे बारिश हो चुकी है, भरा हुआ है पानी। ऊपर एक होटल जैसा कुछ दिख रहा है, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों खूंटी पहुंचने वाले हैं हम लोग, और ये जो इलाका है आप देखिए कितना सुंदर इलाका है हाईवे के पास। आइए आइए आइए, हाईवे के पास कितना सुंदर इलाका है, ये देखिए हमने कार को यहाँ चाय का दुकान स्पॉट किया है। हाँ एक तो चाय की दुकान स्पॉट किए हैं, बहुत ही ठंडा ठंडा है, चाय पी सकते हैं। हाँ एक चाय की दुकान स्पॉट किए हैं, बहुत ठंडा ठंडा मौसम है, हमने सोचा कि इसी जगह पर हमें चाय पीनी है, ये चाय की दुकान है वहाँ पर। और मैं आपको बताऊँ कि ये जो होटल है जिसे हमने चूज़ किया है, ये पल्लवी होटल है, यहाँ पर चाय, नाश्ता एवं भोजन का उत्तम प्रबंध है, और 50 रुपये में मुर्गा चावल भी मिल जाएगा हमें। मधुमिता पूछ रही है कि मधुमिता क्या क्या खाएंगे, मुर्गा चावल खाना है क्या सुबह सुबह? आपका होटल है ये, आपके नाम पर है? नहीं, बेटी का नाम पे है। बेटी के नाम पे है, अच्छा अच्छा अच्छा, पल्लवी के, बहुत अच्छा है फिर तो। चलिए क्या बना के रखा हुआ है, पूरी, ये पूरी है, फिर धुसका है। हाँ ये पूरी है और धुसका है, ये धुसका है और ये पूड़ी है, और ये भात है, और चिकन भी बन गया है शायद ना, अच्छा चिकन बनेगा। तो ये जो चिकन खिलाती है देसी है कि पोल्ट्री है? ये पोल्ट्री है ना, अभी होटल के लिए तो पोल्ट्री। हाँ हम लोग चाय पियेंगे, मैं पीऊँगा केवल। हाँ बोल दिया मैंने। ये चाय, चाय के साथ क्या है ये आपके पास? ये नमकीन बिस्किट है, ये नमकीन बिस्किट है, और मैं आपको बताऊं ये चाय कमाल की चाय है, कोई गलती नहीं है। रुकने का हम लोग को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है कि बहुत शानदार चाय मिली है, ये पल्लवी के होटल से हम लोग को बहुत अच्छी चाय मिली है। कभी अगर मौका मिला तो आपके पास मुर्गा भात जरूर। मधुमिता पल्लवी की मम्मी को फिल्म का लिंक भेज रही है, और मैं आपको मिलाता हूँ पल्लवी से। अच्छा फुआ है, अच्छा ये पल्लवी की फुआ है, सोनिया, सोनिया कुमारी इनका नाम है, ये पल्लवी के फुआ है। रोशनी कम है इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं, बाहर की रोशनी ज़्यादा है। और ये है पल्लवी, हाँ इसके नाम पे होटल है ये। नाम अपने नाम लो लो लो, इसको पकड़ के बोलो कि मेरा नाम पल्लवी कुमारी, बोलो मेरा पल्लवी कुमारी, मेरा नाम पल्लवी कुमारी, मेरा नाम पल्लवी कुमारी। अरे ये होटल किसका है? मेरा। अच्छा आप होटल चलाती हैं? बाबा बोलो, बाबा दादू बोलो, और बाकी जो टाइम मिलता है उसमें क्या करती है, पढ़ने जाती हैं? हाँ। जाते हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। स्कूल का भी नाम बता दो। हाँ?
स्कूल का नाम बतला दो। द ड्रीम। अच्छा अच्छा, क्या ड्रीम है आपका? अभी तक नहीं सोचे। अभी 2 महीना से स्कूल जा रहे हैं। है ड्रीम बताने के लिए हम लोग, और बाद में जब आएंगे 10 साल बाद तब वो ड्रीम बताएंगे। 2 महीना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 महीना अभी स्कूल भी खुले हुए, अभी शुरू हुए हैं। 1 महीना गई थी, फिर तो बंद। ये हम मूवी कर लेंगे, पूरा मूवी है, देख लेना। हमारे होटल में आएंगे मुर्गा भात खाने वाले जितना लोग हैं, कैसे शेयर करोगे? व्हाट्सएप से शेयर कर दोगे? हम लोग खूंटी पहुंच गए हैं।